हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक मणिपुरी वीडियो है और इसकी रिक्वेस्ट मुझे दो तीन बंदों ने की है और इसका नाम है शेजिबू चेराओबा। आई होप मैं नाम ठीक से प्रनाउंस कर रहा हूँ। तो नाम है शेजिबू चेराओबा और ये वीडियो आई थी 13 अप्रैल को, यानी ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है। और ये आपको मिल जाएगी मामी तिवांग यूट्यूब चैनल पे। और इसमें कास्टिंग की बात करें तो कृपा लक्ष्मी, उमा, जेसिका, यजीत, पॉबिन, अबॉय, निराश। ओके, तो ये पूरी कास्टिंग है, बहुत सारे लोग हैं। लिरिक्स दिए हैं जी शांति देवी ने, म्यूजिक है कुणाल हैवाम, सिंगर है अमनोस निंगथौजाम। और बात करूं तो डायरेक्टर है ओ थोंगलिन मितई, आर्ट डायरेक्टर है जेम्स थैंगजाम। ये मोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के बारे में। और जिन लोगों ने भी मुझे ये सजेस्ट किया उन्होंने बहुत फोर्स किया था भाई, मैं सही में वो बहुत कंसिस्टेंट थे। दो तीन दिन से रेगुलर मुझे इंस्टाग्राम पर जो है टेक्स्ट कर रहे थे, तो फाइनली भाई थोड़ा देर हो गया पर मैंने चूज़ कर लिया आपकी वीडियो को। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद जो है देखेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इसके लिए, वो भी इतनी कंसिस्टेंटली, तो कुछ अच्छा ही होगा वीडियो पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और फिर करेंगे इसके बारे में बातें। 1 2 3 तंगी गुरु फिल्म बोर्ड फैमिली वीडियो लग रही है मुझे, कोई फेस्टिवल हो रहा है। फेस्टिवल है भाई, फेस्टिवल है या कोई पूजा है। Oh,
का मतलब बताओ भाई, जाना मतलब जो टाइटल में था, शिजीपुर चेराओबा, माफ करना अगर मैं ढंग से नाम नहीं ले रहा हूँ उसका। और वीडियो बहुत सही थी, और इतना तो मालूम पड़ गया कि वीडियो सॉरी मणिपुर के किसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के जो है बारे में था, और मणिपुरी कल्चर से वो रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो में जो है दिखाने की कोशिश की गई है। और मुझे बताओ ये क्या था इस वीडियो में, ये जो भी थी पूजा वगैरह वो कौन सी पूजा है, और इस टाइटल का नाम क्या है, मुझे जानना इसके बारे में। और सही में और कुछ तो बहुत मतलब कुछ मैसेज भी आई थिंक देने की कोशिश की गई है इस वीडियो में, तो मुझे वो मैसेज भी बताओ क्या है, ठीक है, मुझे जानना है इस बारे में भाई। और ओवरऑल वीडियो बहुत सही थी, तभी लोग इतना फोर्स कर रहे थे मुझे, क्योंकि ये थोड़ा मणिपुरी कल्चर से रिलेटेड कोई मतलब ये वीडियो थी, तो ओवरऑल बहुत सही था। और कंसेप्ट, स्टोरी, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा घरेलू सी वीडियो थी, और देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई फैमिली में जब इतना होता है ना प्यार, और सब एक दूसरे से मजाक मजूक कर रहे होते हैं, वो टाइम कुछ और ही होता है, ठीक है। आपने भी कभी क्या होगा कि जब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब कुछ जो पुरानी बातें याद करके आप लोग हंस रहे होते हो, कितना सही सही जो फीलिंग आती है, ठीक है, तो वहाँ तब रियल मतलब समझ में आता कि फैमिली होती क्या है। तो बहुत सही वीडियो थी, और बहुत कुछ जानने को मिला इस मणिपुरी जो है कल्चर के बारे में। और मुझ वो जो मैं नाम भूल गया, मुझे एक बार आप लोगों ने जो बताया था कि ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जो साड़ी की तरह होती है, साड़ी नहीं होती है, मैं नाम भूल गया क्या था, वो मुझे बहुत सही लगती है। और अभी मैं ना यहाँ चंडीगढ़ में एक मंदिर है मनसा देवी, बहुत फेमस है यहाँ पर, वहाँ पर भी अभी एक महीना पहले कुछ था लॉकडाउन, पता नहीं पर कुछ था, मैं वहाँ पर गया था ना, तो काफ़ी मुझे करीब 3-4 औरतें और कुछ लड़कियाँ जो है इसी ड्रेस में जो है वो दिखी थी। और मैंने आपको एक बार पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक गाँव है खुड्डा लहोड़ा करके ना, चंडीगढ़ का ही एक जो है गाँव है, वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर कई जो 5-6 मकान है, और वहाँ पर सिर्फ मणिपुर के लोगों को ही वो जो है किराए पे वो रखते हैं। तो वहाँ पर ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि छोटा सा मणिपुर है यहाँ पर, वहाँ बहुत सारे जो है मणिपुरी लोग हैं, तो इसलिए मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी दिख भी जाते हैं वैसे अटायर में, ठीक है। तो मुझे मैं चाहता हूँ ना कि मेरी ना सभी जो वो सातों बहनें हैं, और एक जो हमारा छोटा सा भाई है, यानी सेवन वो सेवन सिस्टर्स और साथ में सिक्किम जो एक छोटा सा भाई है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स यहाँ हर एक स्टेट से हों,
ठीक है भाई। सही में कितना सही होगा ना कि मुझे हर एक स्टेट से एक फ्रेंड है, तो मुझे हर एक स्टेट के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। मुझे बहुत कुछ जानने का मन करता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो कोई देखो कब तक मेरे फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।